अस्सलाम वालेकुम। बैरियर टाउन कराची का 500 गज का विला आज मैं आप लोगों को अंदर से एक और विजिट करवाऊंगा और मेरी पूरी कोशिश होती है कि जो अच्छे विलास बने हुए हों वो आप लोगों को विजिट करवाए जाए और ख़ास तौर पे उसकी लोकेशन बहुत प्राइम हो। इसकी लोकेशन की बात करूं तो बैरियर टाउन कराची से सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 मिनट की ड्राइव के ऊपर ये बैरिया हिल्स का एरिया है और मेरे बिल्कुल पीछे ये नेशनल फ्लैग पोल का एरिया आप लोगों को नज़र आ रहा है। इस एरिया की आज इस सराउंडिंग में हम आप लोगों को वीडियो बनाकर दे रहे हैं और बिल्कुल सामने ही जो है वो बैरियर टाउन कराची का हेड ऑफिस है। आप लोगों को अंदर से विजिट करवाते हैं। इसके अकोमोडेशन की बात करें तो 5 बेडरूम के ऊपर ये 500 गज का विला बना हुआ है। एंट्रेंस आप लोगों के सामने मौजूद है, आप ये देखिए, क्योंकि ये रोड है तो इसका जो मेन गेट है थोड़ा पीछे से शुरू होता है तो आप लोगों के पास यहाँ पर पार्किंग की स्पेस जो है वो स्टार्टिंग में अच्छी मिल जाती है। इसके पार्क एरिया को आप लोग देखेंगे तो इन्होंने बहुत खूबसूरत सा पार्क जो है वो यहाँ पर पूरा का पूरा डेकोरेट किया हुआ है। आ जाइए, ज़्यादातर आप बैरियर टाउन कराची में 500 गज के विलास देखेंगे तो उसमें ग्रे शेड जो है वो बैरियर टाउन कराची में टोन यूज़ की जाती है, तो ये वाला भी वाइट और ग्रे शेड को ब्लेंड करते हुए ये वाला विला जो है वो डिज़ाइन किया गया। आप इसके फ्रंट एलिवेशन देखिए, खूबसूरत सी जो मिरर वर्क है वो यहाँ पर हुआ हुआ है, स्टोन क्लैडिंग का वर्क है और ऊपर बहुत खूबसूरत सी उन्होंने जो है वो गैलरी वाला एरिया बनाया हुआ, तो सब आप लोगों को विजिट करवाएंगे। आ जाइए, इलेक्ट्रिक फेंसिंग जो है इस पूरे घर के अंदर हुई हुई है, आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे ही आप अंदर एंटर होते हैं तो अल्लाह के नाम के साथ यहाँ पर आप लोगों को वेलकम किया जाता है। ये आपका कार पोश का एरिया है, आप देखिए काफ़ी ज़्यादा जो है स्पेशियस कार की स्पेस यहाँ पर मौजूद है। तकरीबन आपकी 2 गाड़ियाँ यहाँ पर आराम से यहाँ पर खड़ी हो सकती हैं। और बिल्कुल पीछे एक और पार्क दिखाते हैं। अब 500 गज का घर है तो खूबसूरत पार्क, ये देखिए कितना लश ग्रीन जो है वो यहाँ पर ये एरिया है, इसको पूरा डिज़ाइन किया हुआ है और साइड में सारे के सारे जो है वो प्लांटेशन करके इस एरिया को ग्रीन इन्वायरमेंट के थ्रू जो है इसको खूबसूरत बनाया हुआ है। वैसे जितने 500 गज के विलाज हैं उसमें 2 गलियाँ मौजूद होती हैं, एक राइट हैंड साइड पे, एक लेफ्ट हैंड साइड पे, तो गली की स्पेस आप लोग देख सकते हैं। ज़्यादातर जो मोटर आपकी लगती है इंस्टॉल होती है वो यहाँ वाले इस वाले एरिया में आपकी इंस्टॉल की जा रही होती है। अब आ जाइए, आप लोगों को मेन एंट्रेंस गेट से अंदर एंटर करवाते हैं। स्टार्टिंग में ही आप लोगों को ये लग्जरियस से आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा जो है ये इसका मेन एंट्रेंस गेट डिज़ाइन किया गया है। अच्छा, इस पूरे विला की जो सबसे बेस्ट बात है इसकी एसेसरीज, एक एक एसेसरीज जो है वो इम्पोर्टेड तो लगाई हुई है लेकिन उसकी जो फाइन क्वालिटी है आप जब इसकी फिनिशिंग देखेंगे तो आप लोगों को खुद आइडिया होगा कि बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से अच्छे लेबर से इसको इंस्टॉल करवाया गया। अब मैं मेन एंट्रेंस गेट से अंदर एंटर हो चुका हूँ तो आपके बिल्कुल स्टार्टिंग में ही पाउडर वॉशरूम है। आप लोग इधर आइए, आप लोगों को पाउडर वॉशरूम दिखाता हूँ। इसमें वाइट वैनिटी और ब्लू शेड के साथ जो है इस पाउडर वॉशरूम को डिज़ाइन किया गया है और जो आपके मेहमान हैं उसकी वेलकम आपको करने से पहले आप लोगों को ज़्यादातर यहाँ पर जो है ये ग्लास डोर जो है वो इंस्टॉल किए गए हैं। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फाइन क्वालिटी है फिनिशिंग, आप जब यहाँ आके खुद विजिट करेंगे तो आपको आइडिया होगा। तो ये आपका ड्राइंग रूम का एरिया है, आप ये देख सकते हैं बहुत ज़्यादा स्पेशियस है, बहुत ही खूबसूरत से जो कर्टेंस है वो यहाँ पर इंस्टॉल किए गए हैं और मुझे इसका जो फैब्रिक है आप के देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत कर्टेन का फैब्रिक यहाँ पर यूज़ किया गया है। सामने वाली वॉल जो है वो ट्रीट की गई है, आजकल वॉल पैनलिंग आती है तो वॉल पैनलिंग दोनों तरफ लगा कर बीच में जो है वॉलपेपर जो है वो इंस्टॉल किया हुआ है। तो खैर, आ जाइए, अब आप लोगों को नेक्स्ट की तरफ ले कर चलते हैं। आगे बढ़ते हैं तो आप लोगों को फर्स्ट बेडरूम जो है वो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर यहाँ पर मिल जाते हैं। वैसे यहाँ पर फर्नीचर जो है वो ऑलरेडी पहले से रखा हुआ है फैमिली ने लेकिन ये फॉर सेल नहीं है, फर्नीचर के साथ विदाउट फर्नीचर है। खैर, वॉल पेनलिंग करके ये पूरा रूम जो है वो डिज़ाइन किया हुआ है आपके सामने, बहुत अच्छा साइज़ है 500 गज में रहते हुए। जितने डोर के आप हाइट देखेंगे तो 8 फिट के ऊपर डोर के हाइट है और ये फिनिशिंग देखिए आप, बहुत ही खूबसूरत इम्पोर्टेड क्वालिटी की जो एक्सेसरीज यहाँ पर इंस्टॉल की। फर्स्ट वॉशरूम आप देखिए, ब्लैक कलर की आपकी वैनिटी यहाँ पर इंस्टॉल की गई है, मिराची इंपोर्टेड यहाँ पर सारी चीज़ें हैं और बहुत ही खूबसूरत तरीके से आप देख सकते हैं। वार्डरोब भी वॉशरूम के अंदर है और बहुत ही लाइट टोन में रहते हुए कलर को ब्लेंड करके जो है खूबसूरत बनाया गया है।
बाद ही आप लोगों को नेक्स्ट की तरफ लेके जाते हैं। तो इनका लाउंज, लाउंज में आने के लिए भी आप लोगों को एक और डोर यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, सेम वही ग्लास डोर है। और ये आपके सामने ओपन किचन, शानदार सा ओपन किचन ग्रे शेड में, क्योंकि ग्रे शेड जो है वो आपकी बाहर भी आप लोगों की टोन यूज़ हो रही थी एलिवेशन की, तो यहाँ पर भी ग्रे शेड में रहते हुए आप लोगों के पास पूरे कैबिनेट जो है वो डिज़ाइन किए गए हैं। एक्सपर्ट की एसेसरीज यूज़ की गई हैं, आप जितनी भी इसकी यहाँ पर ये एसेसरीज देखेंगे ये सब की सब जो है वो इम्पोर्टेड है। आप लोगों का डर्टी किचन हो गया, ये भी आप यहाँ आके देख सकते हैं अंदर। तो सारी चीज़ें जो है वो एक एक चीज़ बड़ी खूबसूरती के साथ इन्होंने यहाँ पर जो है वो इंस्टॉल की हुई है। अब ओपन किचन के साथ ही आप लोगों का लाउंज है, ये खूबसूरत सा लाउंज उन्होंने डेकोरेट करके बताया हुआ है, आप अपनी मर्जी से भी यहाँ पर डेकोरेट कर सकते हैं। एक वॉल अलग से प्रॉपर ट्रीट करके सेम वही वॉल पैनलिंग की है दोनों तरफ एंड में, और बीच में जो है वो आप लोगों के वॉलपेपर लगाकर उसको इंस्टॉल किया गया है। एसी की जितनी भी पाइप्स हैं वो सारे के सारे पहले से इंस्टॉल किए हुए हैं, और ये कर्टन्स आप देख सकते हैं। इस घर की बेस्ट बात ये है कि यहाँ पर नेचुरल लाइट जो है वो इस घर के अंदर बहुत ज़्यादा है। ये वाली विंडो भी जो है वो आपकी बाहर से, ये मैं कर्टन साइड पर करूँगा, तो ये एरिया जो है आपको डे लाइट में अपनी जितनी भी लाइट्स हैं उनको चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आ जाइए आगे बढ़ते हैं। तो नीचे ही दो बेडरूम, तो नीचे तीन बेडरूम है, तीसरा आपको दूसरा बेडरूम विजिट करवाते हैं। ये आप लोगों का मास्टर बेड हो गया, ये मास्टर बेड यहाँ पर ये मौजूद है। अच्छा, ख़ास तौर पे जो लोग, वैसे तो हम ग्रिल की अक्सर बात नहीं करते, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो कि कोशिश करते हैं कि सबसे बेस्ट क्वालिटी की ग्रिल्स इंस्टॉल की जाए, तो आज ही आप लोगों को दिखाता हूँ। SS के ऊपर जो है ये वाली ग्रिल इंस्टॉल की गई है, तो कोई जितनी मर्जी हो जाए, काटने वाला भी आएगा तो इसको नहीं काट सकेगा। तो जिन जिन लोगों को सबसे बेस्ट लगाने की ज़रूरत है तो अपनी पुरानी वाली उतार के ये SS लगा सकते हैं। लेकिन चले आ जाइए, इसी रूम में आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा बेडरूम जो है उन्होंने डिज़ाइन करके एक तरफ बेड रखा हुआ है, अलग से आप लोगों की जो कैबिनेट्स हैं वो यहाँ पर इंस्टॉल की गई हैं, और ड्रेसिंग एरिया भी यहीं पर ही रूम के अंदर। तो आप रूम का साइज़ देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, अच्छा खासा रूम का साइज़ है। ये वॉशरूम के अंदर आते हैं, तो वॉशरूम के अंदर भी आप लोगों को अलग से कैबिनेट आप लोगों को इंस्टॉल करके दी गई हैं, और ये शावर एरिया हो गया, और ये सारे के सारे मिराची के ऊपर जो है वो आपकी कमोड वगैरह इस्तेमाल किए गए हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो आप लोगों का जो थर्ड बेडरूम है वो भी आप लोगों को ग्राउंड फ्लोर के ऊपर ही मिल जाता है। AC यहाँ पर इंस्टॉल किया हुआ है, यहाँ पर भी डेकोरेट करके पहले से ही बता दिया गया है। यहाँ पर आप लोगों का ड्रेसिंग एरिया और साथ साथ कैबिनेट भी यहाँ पर इंस्टॉल की गई हैं। ये आप रूम का साइज़ देख सकते हैं, अच्छा साइज़ है। जैसे मैंने आप लोगों को कहा था एसेसरीज आप देख सकते हैं, एक एक एसेसरीज बहुत ही फाइन तरीके से इंस्टॉल की गई है। इतने आप लोगों की लेबर जो है, खासतौर पे बहरिया में लोग अच्छे तरीके से काम नहीं करते, मिराची यहाँ पर ये इंस्टॉल है। आपका कमोड है वो भी यहाँ पर जो है मिराची इंस्टॉल की गई है। तो अच्छे रूम के साइजेज हैं, वॉशरूम के साइजेज हैं, उनको खासतौर पर ख्याल रखा गया है इन सब चीज़ों का। अब आ जाइए आप लोगों को इसके बाद बेसमेंट का आप लोगों को बताऊँ, तो बेसमेंट जो है वो पूरी की पूरी ओपन छोड़ी गई है। एक अलग से सिर्फ एक डोर बनाकर उसको रखा गया है, वो आप लोगों की मर्जी है, आप जिस हिसाब से उसको मेंटेन करना चाहते हैं आप वो मेंटेन कर सकते हैं। फर्स्ट फ्लोर की जानिब बढ़ते हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं कितनी खूबसूरत सी रेलिंग जो है यहाँ पर डिज़ाइन की हुई है, ब्लैक डीको के ऊपर ये वाला पूरी रेलिंग जो है वो डिज़ाइन की गई है। और अब आपके सामने ये जो स्टेयर केस का ये वाला एरिया होता है फ्रंट, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा खूबसूरत एरिया होता है, यहाँ पर सेम चीज़ रेप्लिका की गई है। साइडों पे आपके जो है जो वॉल पैनलिंग वो लगाकर बीच में वॉलपेपर इंस्टॉल किया गया है। ऊपर आने के बाद ही आप लोगों को लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर बहुत ही खूबसूरत सा कंसोल और ये जो मिरर है, ये लग्जीरियस व्यू जो है वो इस वाले एंट्रेंस पे ही फर्स्ट फ्लोर के आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं जो फर्स्ट फ्लोर का लाउंज है वो बहुत ज़्यादा स्पेशियस है। ये आपके सामने LCD यहाँ पर रखी हुई है, 75 इंच की LCD है। ये आपके सामने फार्मूज मौजूद है, तो बहुत ही खूबसूरत सा एम्पल स्पेस पे रहते हुए ये वाला एरिया डिज़ाइन किया गया है। अब इसकी रोशनी का वापस से बहुत ख़ास तौर पे ख्याल रखा गया है आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर पेटियो बीच में इंस्टॉल किया गया है, वो आप लोगों को बाद में दिखाते हैं। तो आ जाएँ सबसे पहले आप लोगों को ऊपर का जो बेडरूम है, ये मास्टर बेड है, ये आप लोगों को दिखाते हैं।
ये अब आप देखिए कितना बड़ा मास्टर बेड है, इसका साइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा स्पेशियस रखा गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मास्टर बेड भी यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है, ड्रेसिंग का एरिया भी अलग से है, और जो कैबिनेट्स हैं वो भी यहाँ पर रखने के बावजूद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप आराम से सोफ़ा भी रख सकते हैं अपने लिए, कोई मेहमान आपके आते हैं तो यहाँ पर भी आप लोग जो है वो सिंगल सोफ़ा यहाँ पर रख सकते हैं। अब आ जाइए आप लोगों को इसका जो वॉशरूम है वो आप लोगों को दिखाते हैं। वॉशरूम की तरफ आगे चलते हैं तो आपको दोनों तरफ जो है वो कैबिनेट मिलते हैं, आप एसेसरीज देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और महंगी से महंगी एसेसरीज यहाँ पर इंस्टॉल की गई हैं। ये आप बाथटब देखिए, ये फुली इम्पोर्टेड लग्जीरियस बाथटब यहाँ का है, और ये वाला जो वॉशरूम है सबसे ज़्यादा लग्जरी फील आप लोगों को इस वॉशरूम में आएगी। मिरर साइज़ आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये कितना खूबसूरत है, एक एक चीज़ आपकी जो कमोड है वो कंसील बनाए गए, जो टाइल के साइज़ हैं वो 2x4 के टाइल जो है वो यहाँ पर साइज़ के टाइल लगाए गए, और जो कलर थीम है यहाँ पर लाइट ग्रीन और ग्रेश कलर को देखिए किस तरीके से ब्लेंड किया है, तीन तरह के कलर जो है वो इस पूरे वॉशरूम के अंदर जो चल रहे हैं, और जो उसकी फॉल सीलिंग है वो उसके चार चांद लगा देती है लाइट्स होने के बाद। तो आ जाइए अब आगे चलते हैं। अभी भी ये रूम की सारी बातें ख़त्म नहीं हुई हैं, इस रूम को और ज़्यादा ग्लो करने के लिए आप ये देखिए, यहाँ से आप लोगों को घर के रूम के अंदर ये जो खूबसूरत सा व्यू है बाहर का आपको वो भी यहाँ पर आप इंजॉय कर सकते हैं, और डे लाइट के लिए और ख्याल रखने के लिए जो टेरेस का एरिया है वो भी यहाँ से जो है आप लोगों को बहुत ज़्यादा डे लाइट इस रूम के अंदर आएगी। तो ये मास्टर बेड बनाया गया है उस फैमिली के लिए जो इसको परचेज करेगा। टेरेस की तरफ आप लोगों को लेकर चलते हैं, तो ये टेरेस का एरिया है आप ये देखिए। आज वैसे मौसम बैठा हूँ कराची का बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बारिश के बिल्कुल इम्कानात हैं, कल से कह भी रहे बारिश हो रही है, तो आप ये देखें इस व्यू को आप लोग इन्जॉय करेंगे। जैसे मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पर जो है वो मिरर वर्क एलिवेशन भी किया गया है तो यहाँ पर है, और साथ ही साथ दूसरी तरफ रूम की तरफ भी ये चीज़ दी गई है। तो आ जाएं, टेरेस जो है बहुत खूबसूरत सा इन्होंने बनाया हुआ है। आगे की तरफ चलते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर पैटियो जो है यहाँ पर पैटियो इंस्टॉल किया गया है। विंडोज़ की बात करें तो UPVC विंडोज़ जो है वो यहाँ पर यूज़ की गई है, एल्युमिनियम की विंडोज़ इस्तेमाल नहीं की गई। ये आपका पैटियो का एरिया है, यहाँ पर भी इसको ग्रिल लगाकर इसको पूरा का पूरा कवर किया है। आपकी फैमिलीज यहाँ पर अगर बारबेक्यू या इस तरह की कोई भी ऐसे खूबसूरत मौके जो है वो एंजॉय करना चाहते हैं, चाहे वो बारिश ही ना हो, तो वो इस वाले एरिया में कर सकते हैं। वैसे ये यहाँ पर ये थोड़ा सा डिज़ाइन उन्होंने बनाया खूबसूरत सा, हर किसी के अपने अपने शौक हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं तो आप लोगों को ये ओपन स्पेस मिल जाती है, यहाँ किचन का एरिया आप लोग ओपन किचन एक और बना सकते हैं। ये स्टोर रूम का एरिया फर्स्ट फ्लोर के ऊपर मौजूद है, और ये आप लोगों का ऊपर अगर मैं बात करूँ तो ये टोटल मिला के ये फिफ्थ बेडरूम ये यहाँ पर आपका मौजूद है। सारी चीज़ें बेडरूम वगैरह यहाँ सब कुछ मौजूद पहले से किया हुआ है, लेकिन ये फुली फर्निश्ड विला नहीं बेच रहे, सिर्फ और सिर्फ जो खाली विला है वो भी इस टाइम मार्केट में फॉर सेल अवेलेबल है। वार्डरोब के एरिया की बात करें तो इसमें पूरा ये एरिया जो है वार्डरोब से डिज़ाइन किया हुआ है, और ये आपका वॉशरूम। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने घर जो है वो विज़िट कर ही लिया होगा। अब मैं आप लोगों को काम की बात बताता हूँ, इसकी प्राइस की बात करें तो प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव प्राइस है। आज के दिन कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को देख के जो है वो नए लोग तो बनाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। फिलहाल ये एक फ़ाइन क्वालिटी का घर प्राइम लोकेशन में बैरून कराची में आज आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 8.5 करोड़ रुपये की डिमांड पर ये विला बिक रहा है। अगर जो लोग बैरून कराची में बिल्कुल हेड ऑफिस के सामने नेशनल फ्लैग और ये खूबसूरत सा व्यू इन्जॉय करना चाहते हैं तो वो यहाँ से, वैसे थीम पार्क भी नज़र आ रहा है ये आप लोगों के सामने, अगर आप लोगों को नज़र आए तो प्राइम लोकेशन है बैरून कराची में। ऐसे कम ही विलाज हैं जो कि फ़ाइन क्वालिटी में बने हुए और उनके व्यूज़ भी अच्छे हों। हमारे पास और भी अलग अलग रेंज में विलाज भी मौजूद हैं जो कि आपकी नीड के अकॉर्डिंगली विला हम आपको दिखा सकते हैं। तो ज़रूर हाउसिंग एसोसिएट से रابطہ करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।